आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जिस बार जाम इस्लामी इस में एग्ज़ाम दें चाहे वो स्कूल का हो या यूनिवर्सिटी का हो यूनिवर्सिटी इन देंस यू जी पी जी डिप्लोमा चाहे वो किसी भी कोर्सेस में दिए हो क्योंकि अभी नाइनटी परसेंट स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि रिजल्ट कब तक आएंगे चाहे वो बी एल का हो या फिर बी ए पॉलिटिकल का या फिर एम एस का हो या फिर जितने भी क्योंकि अभी जो सिंपली रिजल्ट आया सिर्फ दो कोर्सेज का आया है एक तो बी का आया है और जो दूसरा आया है एम का आया है लेकिन ऑब्वियसली ये जो दो पेपर हुए थे वो काफ़ी पहले हुआ था मतलब स्टार्टिंग में इनिशियल में इसी पेपर से स्टार्ट हुआ था इसलिए पहले इसको पब्लिश कर दिएगा लेकिन आप इसमें अगर नोटिस करेंगे तो इनका जो एडमिशन का जो फॉर्मेलिटीज़ है वो आपके अक्टूबर में किया जा रहा है मतलब वो भी दस से बा, दस से ग्यारह अक्टूबर के आसपास मतलब काफ़ी टाइम इंटरवल लिया है टाइम लिया है तो इससे एक बात तो साफ़ है जो भी स्टूडेंट्स इस बर में एग्ज़ाम दिए हैं और अगर वो रिज़ल्ट के इंतजार में तो मोस्ट पब्लिक जान मान के चले कि आपका ये पूरा अक्टूबर का जो मंथ है वो रिजल्ट में ही जाने वाला है मतलब रिजल्ट के एडमिशन के फॉर्मेलिटीज़ में रिजल्ट पब्लिश होने में ही जाने वाला है क्योंकि जिस तरीके से जामिया लेट करें इससे पूरा और ओब्वियसली जो अभी बी का रिजल्ट है उसे बहुत हद तक पता चल गया कि आपके जो एडमिशन के फॉर्मेलिटी है वो अक्टूबर में ही होंगे मिड अक्टूबर के आसपास खैर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है तो देखिए Uh, क्योंकि ऑब्वियसली आपके जहाँ आप पढ़ रहे होंगे ये जहाँ से आप होंगे आसपास में आप चाहे चाह भी रहे होंगे एडमिशन ले ले क्योंकि लास्ट डेट होगा तो ऐसे में मैं आपको दो सजेशन दूंगा एक तो ये कि चाहे तो आप वहाँ एडमिशन ले लीजिए फिर अगर जामिया में होगा तो एडमिशन वहाँ कैंसिल कराने के बाद आप जामिया में एडमिशन ले लीजिएगा पहली चीज़ अब दूसरी चीज ये कि जामिया में एडमिशन अभी जो भी चीज़ें हो रही है जैसे जैसे उसको लेकर इतना लेट क्यों हो रहा है उसके पीछे का मेरे हिसाब से दो रीज़न लगता है एक तो ये कि अभी अगर आप देख देखें तो जो लिस्ट आ रहा है इसमें एक वेटिंग लिस्ट भी आ रहा है तो ऑब्वियसली अब जैसे जामिया इसी हिसाब से देखा है तो जामिया दो लिस्ट तैयार करके भेज रही है एक तो वेटिंग लिस्ट वाले भी और एक लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट का भी तो इसमें इस वजह से भी टाइम में भी लग रहा है और दूसरा ये कि अभी जो है जैसे कि आप जे का देख लीजिए अदर यूनिवर्सिटी का देख लीजिए एक्सेप्ट आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का तो उसका एग्ज़ाम एग्ज़ाम जो हुआ था रिजल्ट भी आएगा और एडमिशन के फॉर्मेलिटीज भी पूरे हैं लेकिन इस जामिया के अलावा और भी जितने भी यूनिवर्सिटी का उठा लीजिए किसी का भी रिजल्ट नहीं आया है तो ऐसे में हो सकता है इस वजह से भी जामिया लेट कर रहे हो ताकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं कि मान लीजिए जामिया में हुआ और किसी और यूनिवर्सिटी में हो गया तो जामिया में छोड़ कर वहाँ चले जाते हैं तो इस वजह से भी ऐसा मतलब लेट होने का एक तो रीज़न ये भी हो सकता है अब दूसरा ये कि जामे का इंटरनल प्रॉब्लम है हालांकि इतना लेट नहीं करना चाहिए काफ़ी पहले एग्जाम लिए हैं और ऑब्वियसली ये वीडियो बनाने का एक पर्पज़ ये कि बहुत सारे स्टूडेंट का सेम चीज़ों पे कमेंट आता है तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि एक वीडियो को फॉर्म में सभी को बता दिए ताकि उनके जो लेवल जो प्रेशर हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनके रिडीज हो सके ऑब्वियसली हम हमारी सोच यही होता है कि आप बस बोलते हैं ना कूल माइंड या पेशेंस रखें क्योंकि जो भी अपडेट आते हैं आपको ज़रूर अपडेट वो कर दी जाती है ऐसी बात नहीं है जहाँ तक रिजल्ट चेक होने की बात है तो ऑलरेडी जामिया रियल जामिया में कैंपस में या यूनिवर्सिटी के अंदर रिजल्ट तो ऑलरेडी चेक हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट पब्लिश करने में क्या प्रॉब्लम है ये भी नहीं समझ मुश्किल है अब बहुत सारे स्टूडेंट जो स्कूल वाले हैं चाहे वो नाइन का हो या एलेवेन का हो या फिर सिक्स का हो सेकेंड लिस्ट के अंतार में वेटिंग लिस्ट वाले क्योंकि ऑब्वियसली याद रखें जो वेटिंग लिस्ट अभी अभी के हिसाब से मैं यही कहूँगा जो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स वही अपने वेट करें इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स का नाम नहीं है वो बेहतर भे, है कि वो वेट ना करें जब तक कि वो सेकंड लिस्ट का बच्चा एडमिशन ना ले क्योंकि अगर थर्ड लिस्ट आएगा तो फिर भी देखा जाए कि बच्चा एडमिशन लिया है नहीं और तभी जो है जिन स्टूडेंट्स का नाम नहीं आया शायद उसमें आ जाए तो ऐसे में मैं यही कहूँगा कि वेटिंग लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स का नाम है वही से वेट करें रिजल्ट आने का जहाँ तक स्कूल की बात है तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई ऐसा है फिलहाल वैसा है, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं और अगर मैं आपको एक एक डेट दूँ कि भाई अगले एक हफ़्ता में आ जाए तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ हो इस बार हो नहीं रहा जैसे हमने काफ़ी प्रडिक्शन एक दो बार करा भी था लेकिन प्रडिक्शन ज़्यादातर फेल हो गया इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि बस दिन में एक बार ज़्यादा नहीं दिन में एक बार आप ऑफिशियल साइट पे आकर विजिट कर लिया करें जो कि आपको जामिया ने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है जिस भी कोर्स का अप्लाई किया है और हमने कैसे चेक करना उस पर वीडियो भी बना दिया है बस एक बार देख लीजिए बहुत है अगर आपको कहीं और भी एडमिशन हो रहा मिल रहा है तो वहाँ पे ले लीजिए क्योंकि देखिए अच्छी बात यह है कि रिजल्ट आना शुरू हो गया है लेकिन ये भी तो था कि जब आपके रिजल्ट नहीं आ रहे तब भी परेशान थे और आज जब रिजल्ट आएगा तब भी परेशान है तो थोड़ा अपने आप को मैं तो ही कहूँ पेशेंस रखिए मैनेज करिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो रिजल्ट से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप, ये, आप बिल्कुल भी न घबराएं आपके रिजल्ट आएंगे उस पर सेपरेट वीडियो अपलोड करी जाएगी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो